हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही बोल रही है कि मुझे यकीन है वो शर्ट तुम पर अच्छी लगेगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम श्योर दैट शर्ट विल लुक गुड ऑन यू। आई एम श्योर दैट शर्ट विल लुक गुड ऑन यू, यानी मुझे यकीन है वो शर्ट तुम पर अच्छी लगेगी। आई एम श्योर दैट शर्ट विल लुक गुड ऑन यू। हंसो मत, मैं मजाक नहीं कर रही। डोंट लाफ, आई एम नॉट जोकिंग। डोंट लाफ, आई एम नॉट जोकिंग, यानी हंसो मत, मैं मजाक नहीं कर रही। डोंट लाफ, आई एम नॉट जोकिंग। तुम पिछले 2 घंटों से कहाँ हो? Where have you been for the past 2 hours? Where have you been for the past 2 hours? यानी तुम पिछले 2 घंटों से कहाँ हो, कहाँ थे। तो ये पूछना चाह रही है कि where have you been for the past 2 hours? तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा? Why did it take you so long to get here? Why did it take you so long to get here? यानी तुम्हें यहाँ पहुँचने में इतना समय क्यों लगा? सो फ्रेंड, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। ध्यान से देखना, जब भी आप किससे पूछना चाहते हो कि तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा, तो आप बोलोगे सिंपली Why did it take you so long to get here? यानी तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा? मुझे यकीन है समय आने पर, यहाँ पर ये कह रहा है कि आई एम श्योर वेन द टाइम कम्स। आई एम श्योर वेन द टाइम कम्स, यानी मुझे यकीन है समय आने पर तुम सही फैसला लोगे। यू विल मेक द राइट डिसीजन। यू विल मेक द राइट डिसीजन, तुम सही फैसला लोगे। वो कहना चाह रहा है कि आई एम श्योर वेन द टाइम कम्स, यानी मुझे यकीन है समय आने पर यू विल मेक द राइट डिसीजन, तुम सही फैसला लोगे। अपने कम उम्र के बावजूद तुमने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर इसकी तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि डिस्पाइट योर यंग एज यू डिड वेरी गुड जॉब। डिस्पाइट योर यंग एज यू डिड वेरी गुड जॉब, यानी अपनी कम उम्र के बावजूद तुमने बहुत अच्छा काम किया। डिस्पाइट योर यंग एज यू डिड वेरी गुड जॉब। मैं सच में तुम्हारी बहादुरी की सराहना करता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई रियली अप्रिशिएट योर ब्रेवरी। आई रियली अप्रिशिएट योर ब्रेवरी, यानी मैं सच में तुम्हारी बहादुरी की सराहना करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट योर ब्रेवरी। आगे होगा, आगे कह रहा है कि काश मेरा भी एक तुम्हारे जैसा लड़का होता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैड अ सन लाइक यू। आई विश आई हैड अ सन लाइक यू, यानी काश मेरा भी एक तुम्हारे जैसा लड़का होता। आई विश आई हैड अ सन लाइक यू। मैंने तो बस वो किया जो मुझे सही लगा। इसके जवाब में कह रहा है कि आई जस्ट डिड वॉट आई फेल्ट वॉज राइट। आई जस्ट डिड वॉट आई फेल्ट वॉज राइट, यानी मैंने तो बस वो किया जो मुझे सही लगा। आई जस्ट डिड वॉट आई फेल्ट वॉज राइट, और मुझे सच में बुरा लगता है हम उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। एंड आई फील रियली बैड वी कुडंट डू मोर फॉर हर। एंड आई फील रियली बैड वी कुडंट डू मोर फॉर हर, और मुझे सच में बुरा लगता है कि हम उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। एंड आई फील रियली बैड वी कुडंट डू मोर फॉर हर। तुम इसे समझाते क्यों नहीं? सो फ्रेंड, यहाँ पर इसकी शिकायत कर रही है और कह रही है कि तुम इसे समझाते क्यों नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डोंट यू मेक हिम अंडरस्टैंड। व्हाई डोंट यू मेक हिम अंडरस्टैंड, यानी तुम इसे समझाते क्यों नहीं। व्हाई डोंट यू मेक हिम अंडरस्टैंड, क्या है तुम्हें परेशान कर रहा है। इज ही बॉदरिंग यू। इज ही बॉदरिंग यू, क्या है तुम्हें परेशान कर रहा है। इज ही बॉदरिंग यू, अगर अगली बार ये तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। द नेक्स्ट टाइम इफ ही बॉदर्स यू जस्ट टेल मी। द नेक्स्ट टाइम इफ ही बॉदर्स यू जस्ट टेल मी। सो फ्रेंड, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, लास्ट में हिम की जगह मी आएगा। पूरा सेंटेंस होगा द नेक्स्ट टाइम, यानी कि अगली बार अगर ये तुम्हें परेशान करे। द नेक्स्ट टाइम इफ ही बॉदर्स यू जस्ट टेल मी, तो मुझे बताना। आगे कह रहा है मैं इसके दोनों हाथ काट दूंगा। आई कट हिज बोथ हैंड्स। आई कट हिज बोथ हैंड्स, यानी मैं इसके दोनों हाथ काट दूंगा। आई कट हिज बोथ हैंड्स। 13 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 13 डेज। इट हैज़ बीन 13 डेज, यानी 13 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 13 डेज। मेरा लड़का अभी तक वापस नहीं आया। माई सन हैज़न्ट कम बैक येट। माई सन हैज़न्ट कम बैक येट, यानी मेरा लड़का अभी तक वापस नहीं आया। माई सन हैज़न्ट कम बैक येट, तो इसके जवाब में कह रहा है हम तुम्हारे लड़के को ढूंढेंगे, मैं वादा करता हूँ। वी विल फाइंड योर सन, आई प्रोमिस। वी विल फाइंड योर सन, आई प्रोमिस। हम तुम्हारे लड़के को ढूंढेंगे, मैं वादा करता हूँ। वी विल फाइंड योर सन, आई प्रोमिस। बिल्कुल, मैं आऊँगा लेकिन थोड़ा लेट हो सकता हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ समझने की कोशिश करो, यहाँ पर इसे कोई कहीं आने के लिए इनवाइट करता है, कहता है कि तुम्हें वहाँ आना है, तो कह रहा है कि बिल्कुल मैं आऊँगा लेकिन थोड़ा लेट हो सकता हूँ। श्योर आई विल कम बट आई माइट बी अ बिट लेट।
श्योर आई विल कम बट आई माइट बी अ बिट लेट, कह रहा है कि बिल्कुल मैं आऊँगा लेकिन थोड़ा लेट हो सकता हूँ. श्योर आई विल कम बट आई माइट बी अ बिट लेट, वहाँ समय पर पहुँचने की कोशिश करना. ट्राई टू गेट देयर ऑन टाइम, ट्राई टू गेट देयर ऑन टाइम यानी वहाँ समय पर पहुँचने की कोशिश करना. ट्राई टू गेट देयर ऑन टाइम, बस मुझे उसका नाम बता दो. जस्ट टेल मी हिज नेम, जस्ट टेल मी हिज नेम, मुझे बस उसका नाम बता दो. जस्ट टेल मी हिज नेम, मैं उससे खुद बात करूँगा. आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ, आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ यानी मैं उससे खुद बात करूँगा. आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ, भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा. बिलीव मी एवरीथिंग विल बी फाइन, बिलीव मी एवरीथिंग विल बी फाइन यानी भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा. बिलीव मी एवरीथिंग विल बी फाइन, क्या तुमने उसे बताया जो मैंने तुम्हें उसे बताने को कहा था. इस इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू टेल हिम वॉट आई टोल्ड यू टू टेल हिम. सो फ्रेंड यहाँ टॉम की जगह हिम आएगा, कह रहा है कि क्या तुमने उसे बताया जो मैंने तुम्हें उसे बताने को कहा था. डिड यू टेल हिम वॉट आई टोल्ड यू टू टेल हिम. मुझे नहीं लगता तुम्हें इस झंझट में पढ़ना चाहिए. इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट थिंक यू शुड गेट इन टू दिस मेस, आई डोंट थिंक यू शुड गेट इन टू दिस मेस यानी मुझे नहीं लगता तुम्हें इस झंझट में पढ़ना चाहिए. आई डोंट थिंक यू शुड गेट इन टू दिस मेस, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी. आई ऑलमोस्ट गेव अप होप, आई ऑलमोस्ट गेव अप होप यानी मैंने तो लगभग उम्मीद छोड़ दी थी. आई ऑलमोस्ट गेव अप होप, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे. इफ़ आई टेल यू विल यू लेट मी गो, इफ़ आई टेल यू विल यू लेट मी गो, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे. इफ़ आई टेल यू विल यू लेट मी गो. सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की. सो फ्रेंड अगर आपको भी इसी तरह की वीडियोस पसंद है और आप भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस रेगुलर अपलोड करते रहते हैं. और फ्रेंड ये सेंटेंस हैं, हमने जो इस वीडियो में जो सेंटेंस यूज़ किए हैं ये काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस हैं. इन्हें आप नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, कैसे भी करके याद कर लेना, क्योंकि ये सेंटेंस आपके बहुत काम आएंगे जब कभी भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे. सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड.